हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ओमकार और आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक देसी गाड़ी। यहाँ पे आप पीछे के साइड में देख सकते हैं महिंद्रा की स्कॉर्पियो खड़ी है वाइट कलर में। ये एक 2011 का मॉडल है और पर्सनली एक बात बताऊँ तो ये मेरी फेवरेट गाड़ी है, क्योंकि इसका मतलब जो शेप है वो आप एक बार देख लीजिए। मतलब आपको काफ़ी एक ह्यूज सी इसके अंदर शेप मिलती है और जो मतलब ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी तगड़ा है। आपको इसके अंदर ऑफ रोडिंग में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो इसीलिए मुझे ये गाड़ी ज़्यादा पसंद है। तो इस वीडियो में हम इस गाड़ी की जो वो पूरी की पूरी कंडीशन देखने वाले हैं, इसकी प्राइस की डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये गाड़ी जो है ये नासिक के अनमोल ऑटो स्टोर में सेल पर अवेलेबल है। तो इस गाड़ी की मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ कि आपको कितने प्राइस में ये गाड़ी यहाँ पर मिलने वाली है और इसके ऊपर फाइनेंस का ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जो आगे बात करने वाले हैं। पर गाड़ी दिखाने से पहले अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको क्लिक कर लीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको मेरे जो आने वाले वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए अभी जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। सो ये है वो महिंद्रा की स्कॉर्पियो। तो सबसे पहले आप इसको सामने से देखिए, आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज इसके अंदर शेप मिलती है, काफ़ी ज़्यादा बल्की शेप है इसकी। आपको जो सामने की ग्रिल है वो भी वाइट कलर में ही मिलती थी और सामने यहाँ पे जो वो क्रोम की थोड़ी सी आपको फिनिशिंग मिलती है। देन यहाँ पे इसके जो हेडलैम्प्स है ये हेलोजन हेडलैम्प्स है, नीचे फॉग लैम्प्स भी इसके अंदर अवेलेबल है। बाकी अगर मैं इसकी साइड लुक आपको दिखाऊँ तो एक बार आप साइड लुक भी देखिए, आपको जो इसके बोनट के ऊपर एक एयर का वेंट मिलता है और एक रियल वेंट है इसके अंदर से, सच में जो वो गाड़ी की कूलिंग होती है, क्योंकि इसके अंदर का जो इंजन है वो भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। सो यहाँ पे इसके एक बार आप व्हील्स देखिए, इसके अंदर नॉर्मल व्हील्स है, स्टील व्हील्स है इसके अंदर, पर जो इसकी साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो ड्राइविंग करते समय आपको एक्सपीरियंस पूरा आ ही जाएगा कि क्या मज़ा है इस गाड़ी के अंदर। बाकी अगर पूरी आप इसकी साइड से लुक देखिए, सो यहाँ पर आप इसकी साइड से पूरी ही लुक देख सकते हैं, तो लुक आपको काफ़ी तगड़ी इसके अंदर देखने को मिलती है। बाकी एक बार मैं आपको पीछे से भी इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे रियर साइड में भी आपको काफ़ी तगड़ी लुक मिलती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरी जो ये लाइट मिलती है और ऊपर में आपको मतलब जो इसकी पीछे की विंडशील्ड है वो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इतनी ज़्यादा बड़ी आपको ये विंडशील्ड मिलती है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बल्की लुक है। देन यहाँ पे इसके जो बूट है वो मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी बूट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कुछ इस तरह से वर्टिकली खुलती है और बूट के अंदर भी दो लोगों की स्पेस है, पर ये असल में चार लोगों की स्पेस है, यहाँ पे दो दो लोग आराम से बैठ जाएंगे। मैं आपको एक बार बैठ के भी दिखाता हूँ। और जैसे कि इस गाड़ी की हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपको चढ़ने के लिए एक फुट स्टेप भी यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर बैठ के आप अंदर चढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मेरे मतलब जो शेप है वो अच्छा खासा है, मैं एक मतलब एवरेज शेप का हूँ, ज़्यादा मोटा भी नहीं हूँ, ज़्यादा पतला भी नहीं हूँ, तभी भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पेस बची है, तो यहाँ पे चार लोग आराम से बैठ सकते हैं। देन ट्रैवलिंग के लिए मतलब काफ़ी अच्छी गाड़ी है। देन अभी हम जाते आगे, देन अभी मैं आपको जो वो मिडल रो दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छी स्पेस मिलती है। उससे पहले आप दूसरी साइड से भी इसकी कंडीशन देख लीजिए, यहाँ पे आप दूसरी साइड से भी इसकी जो वो पूरी की पूरी लुक देख सकते हैं। जो गाड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी है, इसकी जो हाइट है वो भी बहुत ज़्यादा है, मेरी हाइट जो ये 6 फीट है, तभी भी इसकी आप हाइट देख सकते हैं, मेरे हाइट से भी ज़्यादा इसकी हाइट है, तो मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हाइटेड है ये गाड़ी। देन यहाँ पे पीछे की रो आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे भी चार लोग आराम से बैठ सकते हैं, मतलब पीछे चार, यहाँ पे चार और आगे दो, 10 सीट तो ऐसे ही बैठ जाते हैं और छोटे छोटे बच्चे मतलब 10-15 लोग इसके अंदर जो आराम से बैठ जा सकते हैं। तो मतलब ये जो चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर आपको जो सीटिंग कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा मिल जाती है। बाकी यहाँ पे फ्रंट सीट्स भी एक बार आप देख लीजिए, फ्रंट में आपको 2 सीट्स मिलती है। आप इसका जो वो और ये कंट्रोल भी देख सकते हैं, इसका हम थोड़ा वॉल्यूम लो करते हैं, तो इसका स्टेरियो मतलब एक ओल्ड स्कूल टाइप का यहाँ पे स्टेरियो लगा हुआ है। जो डैशबोर्ड है वो भी काफ़ी ओल्ड स्कूल टाइप का, सिर्फ मतलब प्लास्टिक का है, और जो मतलब क्वालिटी है इसकी वो काफ़ी तगड़ी है, इसके अंदर कोई भी एयर बैग्स नहीं है, तो सेफ्टी के मामले में तो ये गाड़ी खुश है, पर जो मतलब बिल्ड क्वालिटी है वो सच में काफ़ी अच्छी है महिंद्रा की तरफ से। तो मतलब जो एक्सीडेंट है वो होने के बाद भी इस गाड़ी को जो वो ज़्यादा डैमेज नहीं पहुँचेगा अंदर से। सो बाकी आप देख सकते हैं इस गाड़ी को, स्टीयरिंग आपको सारा कुछ मतलब नॉर्मल मिलता है। तो ये एक फर्स्ट ओनर गाड़ी है, मतलब आप सोच सकते हैं कि आपको मतलब कितनी जो मतलब इंजन की कंडीशन है वो कितनी अच्छी मिलने वाली है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट किया था, थोड़ा हल्का सा आवाज़ आता है पर ज़्यादा आवाज़ नहीं आता है। जो मतलब गाड़ी है वो सच्ची में काफ़ी अच्छी कंडीशन के साथ है। अभी हम बात करते हैं इस गाड़ी की डिटेल्स के बारे में। सो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, ये एक 2011 का मॉडल है, ये एक डीजल गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है,
और 150,000 किलोमीटर जो ये गाड़ी चली हुई है, इतनी पुरानी गाड़ी है तो इतनी चलती ही है। और जो मतलब महिंद्रा की गाड़ी है ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल रहती है, तो 2-2.5 लाख किलोमीटर तक इस गाड़ी को कुछ भी नहीं होने वाला, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये गाड़ी पसंद आती है तो आप नासिक के अनमोल ऑटो स्टोर में आके विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये गाड़ी बाय करते आएगी। तो अगर मैं आपको इस गाड़ी की प्राइस बताऊँ तो ये गाड़ी जो है यहाँ पे 5,35,000 रुपये अवेलेबल है, जो कि एक नेगोशिएबल प्राइस होने वाली है। अगर आपको ये गाड़ी पसंद आती है तो आप नासिक के अनमोल ऑटो स्टोर में आके विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके इस गाड़ी की जो आप और भी डिटेल्स ले सकते हैं। और जैसे कि ये एक नेगोशिएबल प्राइस होने वाली है तो आप इसके अंदर कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। नासिक के अंदर जो वो स्पेशली नेगोशिएशन के लिए काफ़ी अच्छा गैप रहता है, तो आप यहाँ पे ज़रूर आके विजिट करें अगर आपको ये गाड़ी पसंद आती है तो। और इस गाड़ी के बारे में अगर मैं आपको एक स्पेशल बात बताऊँ तो ये एक मेड इन इंडिया गाड़ी है, इंडिया में बनी है, पूरी महिंद्रा की तरफ से आती है। तो इस चीज़ के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक करें। मुझे पर्सनली ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको क्लिक कर लीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको मेरे जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली ऐसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।